Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hope you're all safe and sound at your home by the grace of Allah Almighty. Unit number 7 geometry page number 99 adjacent complementary and supplementary angles. Now student today we will discuss about adjacent angles. Two angles having a common vertex and a common arm Are known as a students, कौन से होते ऐसे दो एंगल्स जिनमें कॉमन वर्टिक्स और कॉमन आर्म हो उनको हम एंगल्स कहते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स आपको ये फिगर शो हो रहा है इस फिगर की हेल्प में से आप देख सकते हैं कि ये एडजस्टेंट एंगल्स कैसे है नाउन स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास दो एंगल्स हैं लाइक वन एंगल एंड एंगल टू ओके अब ये एडजस्टेंट एंगल है ये नहीं हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट हम अभी इसकी डेफिनेशन में ये पढ़े पढ़ चुके हैं कि कॉमन वर्टिक्स और कॉमन आर्म यानी एडजस्टेंट एंगल्स की टू कंडीशन होती हैं फर्स्टली कॉमन वर्टिक्स एंड सेकेंडली कॉमन आर्म सो स्टूडेंट्स लुक ओ इज अ कॉमन वर्टिक्स एंड ओ बी इज अ कॉमन आर्म ओके सो so, ये एडजेंट एंगल है COB एंगल COB ओ एंड एंगल BOA ओ ए आर एडजेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टिक्स एंड दे लाई ऑन आइदर साइड ऑफ अ कॉमन आर्म ओ

आपके पास एंगल वन है एंड एंगल टू है सो so, इस एंगल का नाम हम कैसे देंगे आपके पास जो कॉमन वर्टेक्स है उसको आपने मिड में रखना है ठीक है ए सॉरी बी ओ एंगल या एंगल ए ओ बी यानी हम एज इसको यू भी राइट कर सकते हैं एंगल बी ओ ए या एंगल ए ओ बी लाइक हम नेम इसका दे देते हैं एंगल ए ओ बी ओके और इस वाले एंगल का नाम हम दे देते हैं या तो सी ओ बी या बी ओ सी एंगल बी ओ सी ओके जस्ट आपने इनके नेम्स दोन से हैं वो राइट करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी लुक एंगल जी ओ एफ एंड एंगल एफ ओ ई ये वाला एंगल कौन सा है जी ओ एफ एंगल जी ओ एफ ओके एंड दिन दिस वन एंगल नेम इज एंगल एफ ओ ईके या हम एंगल का नेम यू भी दे सकते हैं एंगल ई ओ एफ ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी एंड डी डू इन होमवर्क ओके आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एट एंगल्स ओके स्टूडेंट्स टेक योर सेल्फ हाफिज़